जय हिंद साथियों। जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो मेडिकल पॉइंट, हाथों का कंपन और हाथों के अंदर आने वाला पसीना किस प्रकार से दूर किया जाए। सबसे पहले मैं बताऊंगा किस प्रकार से चेकअप होता है और उसको किस प्रकार से दूर किया जाता है। पहले बात लेंगे हाथों के कंपन की, क्या हाथ का कंपन को किस प्रकार दूर किया जाए। दूसरा लेंगे उसके बाद में आपके हाथों में पसीना आ रहा है तो उसको कैसे दूर किया जाए। सबसे पहले आपका हाथ किस प्रकार से चेक किया जाता है, कंपन किस प्रकार से चेक किया जाता है उसको देख लीजिए। हाँ, बहुत देर तक आपका क्या करेंगे, हाथ आगे, सभी का हाथ आगे, सभी को इस प्रकार से हाथ आगे करवा दिया जाएगा। ठीक है, हाथ आगे करवाने के बाद में कभी कभी क्या होता है, बीच में मेडिकल में क्या करता है, मेडिकल बोर्ड लेने वाला हाथों को जमीन पर पिटवाता भी। हाँ, बैठ जाओ नीचे, तभी नीचे बैठ जा, इधर अभी आपका जमीन पर हाथ मरवाया जाते हैं। हाँ, रेडी स्टार्ट। इस प्रकार से जमीन पे हाथ मरवाने के बाद में आपको फिर हाथ इस प्रकार से खड़ा कर दे। जब बाद में आपका चेक करेगा हाथ, किसी के हाथों में कंपन तो नहीं है। अभी कंपन में अगर हल्का सा किसी को डाउट लगता है, मेडिकल में डॉक्टर को डाउट लगता है, तो वो क्या करता है, उसके ऊपर या तो किसी चीज को रखेगा या तो कोई पत्थर रखेगा, ऐसे कुछ उसके पास आइटम होता है उसको रखेगा। रखने के बाद ऐसे चेक करेगा, अगर किसी का कंपन हो रहा है लकड़ी रख देगा उसके ऊपर में और चेक करेगा, ऐसे चेक करेगा। किसी के भी हाथ के ऊपर उसको डाउट लगता है उसके हाथ के ऊपर चेक करता है। अभी बहुत देर तक इस प्रकार से आपको खड़ा रहना पड़ता है, इसलिए क्या दिक्कत आती है, आपका कंपन स्टार्ट हो जाता है। बहुत ज्यादा देर तक अगर आपको इस पोजिशन में खड़ा रखेगा तो आपका कंपन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ज्यादा टाइट हाथ को करके नहीं रखना है। आपको जब पहले ही बोल दिया कि भाई मेरा मेडिकल स्टार्ट होगा, वहां से उस कॉर्नर से अगर वो लेके आएगा, इस कॉर्नर तक आएगा, तब तक आपका हाथ कंपन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, हाथ को पूरा टाइट नहीं रखना, आपको हाथ को थोड़ा ढीला रख लेना, ऐसे नॉर्मल तरीके से रख लेना। नॉर्मल तरीके से रखने से क्या, आपका हाथ के अंदर कंपन नहीं आएगा। आप फिर जब आपके सामने डॉक्टर आता है, नजदीक आता है, तो आपको एकदम सेट कर देना, सीधा कर देना, टाइट कर देना। ये आपका सबसे सिंपल तरीका है। इसके अलावा इसके अंदर में हाथों का वर्कआउट होता है, हाथों को मजबूत किस प्रकार बनाया जाए। अगर हाथों को मजबूत बनाने वाली एक्सरसाइज आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे, मेरा वीडियो देखेंगे, इससे पहले मैंने वीडियो डाल रखा है, अगर उस तरीके से प्रॉपर फॉलो करते हैं तो आपका हाथ का कंपन दूर हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं आपका हाथों में पसीना वाला, हाथों में पसीना किस प्रकार से चेक किया जाता है। सबसे पहले मेडिकल में इसी प्रकार से आपका हाथ लंबा कर दिया जाएगा। इसके अंदर क्या करेंगे, इस प्रकार से हाथ को पकड़ाएंगे, पकड़ो हाथ को, सभी का मुट्ठी बंद करके इसके अंदर फूंक मारें, ऐसे फूंक मरवाते हैं, सभी फूंक मारो। अभी डॉक्टर आते जाकर सामने देखेगा, हाथ देखेगा, हाथों में पसीना तो नहीं आ रहा है। हथेली में पसीना आने की तरीका देख लेता है, अगर पसीना नहीं है तो वेल एंड गुड, आप फिट है। जिसके हाथ में फूंक मारने से पसीना आया वो अनफिट, उसको मेडिकल में दिया जाएगा। अभी इसको दूर कैसे किया जाए, बहुत नॉर्मल सिंपल तरीका, चेक करने का तरीका बता दिया, अभी आपको इसको दूर करने का तरीका बताता हूँ। क्या करना है, आपको कहीं से भी छुपा के तम्बाकू में डालने वाला चूना लेके जाना, साथ थोड़ा सा चूना लेके जाना है, जहाँ पसीना आ रहा हथेली में, हथेली में पसीना आता है उसको क्या करना है, उस चूने को उसके ऊपर हाथ के ऊपर लगाया। लगाने के बाद में हाथ को इस प्रकार से, जब आपका मेडिकल होता है उससे 5 सेकंड 10 मिनट या 15 मिनट के पहले उसको हल्का सा रगड़ लेना, दिखाई नहीं दे, हल्का हल्का ऐसे दिखा, आप कितना भी फूंक मार लो, कुछ भी कर लो, आपका पसीना नहीं आएगा। ये सिंपल ट्रिक है दोस्तों, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। इस प्रकार से चेकअप होता है तो ये आपको इसके अंदर करके चूना लगा लेना है और ख़त्म कर देना। ये आपका मेडिकल पॉइंट मैंने दूर कर दिया, दोनों मेडिकल पॉइंट से, दोनों मेडिकल पॉइंट का आसानी से आपको इलाज बता दिया। इस प्रकार से आप करेंगे आपका मेडिकल पॉइंट दूर हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।